मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस से मध्य प्रदेश से एक लोग से सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच भोपाल में कुछ तस्वीर जो है कांग्रेस कार्यालय की वो बेहद अलग हो गई है। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर सन्नाटा तो है ही, लेकिन सन्नाटे के साथ साथ इसी कांग्रेस कार्यालय में आप ताला भी देख सकते हैं। आमतौर पर यहाँ ताला लगता नहीं है, ना ताला लगाया जाता है, कोई ना कोई स्टाफ मौजूद रहता है, लेकिन इस पूरे पीसीसी दफ्तर में आप देखेंगे तो ताले लगा दिए गए हैं। तीन यहाँ पर अलग अलग दरवाजे हैं जिनमें दो गेट यहाँ पर खुले रहते हैं, पीछे का एक और गेट है उस पर भी ताला लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि ताला लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरह से लगातार अटकलें चल रही हैं उसके बीच में अगर देखें तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के लगातार चर्चाओं का जोर इसी बात पर है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्र यही बताते हैं कि कल का वक्त हो सकता है, बड़े नेताओं से आज मुलाकात हो सकती है, लेकिन पीसीसी कार्यालय में ना कोई नेता चूंकि बोलने से कल तक बचता नजर आ रहा था, लेकिन जो तस्वीरें बता रहे हैं कि अब इस कार्यालय को ही पूरी तरह से ताला लगाकर यहाँ पर बंद कर दिया है। बड़े नेता की बात की जाए तो उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, ये तमाम बड़े नेता अभी तमाम जो विधायक हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अटकलें बहुत तेज़ी से हैं कि कमलनाथ के साथ साथ उनके साथ जो विधायक हैं कांग्रेस के कुछ विधायक, करीब दो दर्जन से अधिक विधायक और कुछ पूर्व विधायक और महापौर भी उनके साथ बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन ये सभी अटकलों के बीच में ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, ताला लगा दिए गए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24 भोपाल। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।